हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम काज में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं शॉर्ट बना के खाने में हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और अच्छे अच्छे शॉर्ट गए हैं, प्लीज़ देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए हमको और हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और ये देखिए फ्रेंड, हम छत पे मतलब वीडियो नहीं बनाने जाते हैं, इसके वजह से बच्चे यहाँ पे आके देख रहे हैं इधर साइड से, दूसरी बिल्डिंग से आके देख रहे हैं ना। अच्छा लगता है देखना। देखिए इधर से आने का जगह है और दूसरी बिल्डिंग है, उसमें से आके देख रहे हैं। चलो ठीक है, अभी तो हम बना देते हैं, ठीक है? शाम को देखना या कल आके देखना, ठीक है? अभी जाओ, बाय कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे हैं सब, आके देखेंगे सब, इन सब की मर्जी है, इन सबको अच्छा लगता है, इसके वजह से आके देखते हैं सब। मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। अभी हम आ गए हैं पंखे के पास, थोड़ा पंखा चालू करेंगे और उसके बाद से आज तो कपड़ा वपड़ा चेंज नहीं करना है। आज मैं सूट डाली हूँ, सूट में कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक जन ने बोले थे कि भाभी आप सूट में बहुत अच्छी लगती हैं, सूट में रील्स बनाने के लिए, तो मैं उनको बोली थी आज के दिन मैं बनाऊंगी रील्स, तो मैं बनाई हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी इस रूम में चलते हैं। फ्रेंड, आप सबसे एक बात बोलना था हमको। अभी हम अपने खिड़की पे आ चुके हैं और इस एक बात बोलना था आप सभी को। देखिए, हमको ना क्या है कि जितना हमारे पास होता है ना, हमको उतना ही में खुश रहना चाहिए। क्योंकि मैं संडे के दिन पार्क में गई थी, मुझे लगता है कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ इस बात को लेके कि मेरे पास मतलब दिक्कत आते जाते रहते हैं सबके घर में, है सबके घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि यार क्या है, लाइफ में कब सुधरेगा, चाहे ऐसा वैसा, मतलब मान लीजिए कि मैं सोचती रहती हूँ। फिर मैं संडे को गई थी पार्क में, संडे को गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि कम से कम 40-45 लड़कियां थी। और उसके बाद से उन सबको मैंने जब देखा तो मुझे डाउट हुआ, मुझे लगा कि यार कहां से आई है ऐसा। फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया और उसके बाद से मेरा मूड एकदम अपसेट हो गया। ऐसा लग रहा था ना कि उन सबको कुछ मिलता ही नहीं है, या फिर वो किसी के बस में है। जैसे हम रहते हैं, हमें हर चीज़ की आज़ादी है, हमें कोई रोकना कहीं कुछ किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। एक नॉर्मल जैसे वो सब नहीं लग रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कोशिश किया कि मैं पूछूं कि मतलब कहाँ से आई हैं सब। तो मैंने पूछने की कोशिश की कि आप लोग कहाँ से आई हो, तो एक लड़की उसमें से मिली थी, मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आई हो, कॉलेज से आई हो, आप सब कॉलेज से आई हैं? तो बोल रही है कि नहीं। फिर मुझे डाउट था जो कि मेरा सच हो गया। वो सब पता है आपको कहाँ से आए थे? वो सब अनाथ आश्रम से आई हुई थी और सब 18 प्लस थी, सब मतलब बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, कोई छोटा नहीं था। उन सब के चेहरे पे एक अजीब सा डर, एक अजीब सा उदासी, भले वो खेल रहे थे सब आपस में, लेकिन वो सब खुश नहीं थे सब। हमारे बच्चे कुछ खा रहे थे, मैं भी वहीं पर खा रही थी, मेरा नज़र गया तो मैंने देखा कि उसमें से दो लड़कियां ऐसी दुख भरी नज़र से देख रही थी ना कि जैसे उसको खाना हो। तो मैंने यही सोचा कि अभी इन सबको नाश्ता करा देते हैं। यहाँ पे रह के मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग नाश्ता कराते हैं सबको, जिनके पास होता है वो लोग नाश्ता कराते हैं। मैं भी गरबा में जो बच्चियाँ गरबा खेलती हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं भी नाश्ता ले कर जाती हूँ, कराती हूँ। जितनी भी बच्चियाँ होती हैं तो उनको नाश्ता करवाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इन सबको नाश्ता करवाना चाहिए। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप लोग कुछ खाएंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो उन सब ने बात नहीं की। मुझे बहुत दुख लगा, ऐसा लग रहा था कि वो सब डरी हुई हैं इस तरीके से। उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनके चेहरे की उदासी देख के मुझे पता चल गया था कि ये कहीं ना कहीं से तो आई हैं, एक नॉर्मल लाइफ नहीं है इन सब की, देखने में मुझे पता चल गया। इसलिए मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, वीडियो भी नहीं बनाई और कुछ नहीं, जैसे गई वैसे ही चली आई। एक तो उन सब ने मुझसे बात नहीं किया, मुझे नाश्ता कराने का मन था, उन सब ने नहीं खाया, बात ही नहीं की। वो भी किसी के प्रेशर में थी ऐसा लग रहा था, उठ के चली गई ग्रुप में।
मैंने कहा यार, और उधर जाके दोनों डिस्कस कर रहे थे, किसी से बात नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कौन पूछने वाला है ऐसे लोगों को, कोई नहीं पूछता है ऐसे लोगों को ना, यहाँ पे कोई नहीं पूछता है, शहर है भाई, कौन क्या कर रहा है किसी को कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, ये चीज़ मैंने देखा है। मैं सोची कि चलो, मैं कही कोई नहीं, तुम लोग भी सोचोगे कि क्यों पूछ रही थी वो लड़कियाँ, इतनी उदास होके बोले कि नहीं कॉलेज से नहीं आया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार देखो, हम लोगों की लाइफ तो कितनी अच्छी है, उन लड़कियों के बारे में सोचो जो किसी और के बस में रहते हैं, ना किसी से बोल सकते हैं, ना किसी से कुछ कर सकते, वो कहाँ से आई थी, क्या करती हैं सब। मुझे बहुत देर तक इस बात की टेंशन लगी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, सोचते हैं कि आगे जाएंगे और फिर कभी मिलेंगे हमसे तो पक्का उन सबको बात करेंगे, उसे लीडर से बात करेंगे कि वो किसी से बात नहीं करती हैं सब, क्यों ऐसा क्यों, उन सबको सिखाया जाता है और उन सबको भाषा क्या बोलने के लिए सिखाते हैं। सब अलग अलग लड़कियां दिख रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ इसी जगह का है, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग चेहरे का लड़कियां थी, ऐसा लग रहा था कहीं दूर दूर से आई हुई हैं सब, चाहे जो भी समझ सकते हैं, सब अलग अलग थी और एकदम अजीब सा उदासी, बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने सोचा यार अपनी लाइफ तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, फिर हमें दुखी तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जो हमसे ज़्यादा दुखी हैं और उनका कोई मदद भी करने वाला नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ है, माँ बाप है, धन दौलत है, हस्बैंड है, हर चीज़ है हमारे पास, तो हम लोगों को ना कभी दुखी नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इसलिए मैंने सोचा कि देखो, सबके घर में दुख सुख तो आते रहते हैं, पर कभी दुखी नहीं होना चाहिए आप सभी को। आप सब लोग भी दुखी कभी मत होइएगा। खैर मैं भी नहीं होती हूँ, ऐसे लोगों को देखती हूँ वो थोड़ा बहुत दुख में हो जाता है। मैं मेरे हस्बैंड को बोली तो बोल रहे हैं क्यों नहीं नाश्ता करा दी, जब आपको मन होता है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए तो आपको कर लेना चाहिए। मैंने बोला कि मैंने बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने बात नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं अब, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना भाई। भाई पता चले कि ऊपर ही चढ़ा है मेरे ही उल्टा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब भी होता है ना, उल्टा फंसा देते हैं चाहे ऐसा वैसा, तो इसके वजह से मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। चलिए ठीक है फ्रेंड, मैं यही बात आप सबसे बोलना चाहती थी कि आपके पास जितना है, जो है, जितना भगवान ने दिया है, उतना ही खुश रहना चाहिए और दे दो मिस्टर दे दो, और अपने मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल है, मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैंने आप सबसे अपनी बातें शेयर किया है, कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय।